तो अभी जो है हम लोग नया क्वेश्चन लेकर आए हैं 11.4 एक्सप्लेन व्हाई डज प्रोपेनॉल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। मतलब प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है ब्यूटेन के कंपैरिजन में हाई है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो जहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की पढ़ाई हुई है, आप उस लेक्चर को फिर से देखेंगे तो ये इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल पढ़ लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे, वहाँ आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमको कंपैरिजन करना है किसमें? प्रोपेनॉल में। 1, 2, 3 ये है प्रोपेनॉल, ये हो गया हमारा प्रोपेनॉल, और दूसरा हमारा है ब्यूटेन। ये है हमारा ब्यूटेन, कंपैरिजन क्या करना है? बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना है। क्या करना है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, किसका कंपैरिजन करना है? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब ये जानने के लिए समझना जरूरी है कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, मतलब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट देम इंटू अ वेपर, दैट इज द बॉइलिंग, द हीट एनर्जी, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट कन्वर्टेड इंटू अ वेपर। कब करता है? जब इसका, हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, कि जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है तब कोई चीज़ बॉइल करता है। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को बॉइल करने के लिए उसको तो कन्वर्ट होना पड़ेगा वेपर में, लिक्विड से। तो कोई चीज़ लिक्विड में कब रहता है? जब सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा हुआ रहता है तब ना वो मॉलिक्यूल बना हुआ, तब ना वो लिक्विड है। अब जैसे एक गिलास पानी है, तो पानी है तो सारे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो तो गैस है, ओरिजिनली तो वो गैसियस स्टेट में है, लेकिन जब वही वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाता है तो वाटर हमको पानी ग्लास में मिलता है, लिक्विड के रूप में मिलता है। तो बॉयल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो मॉलिक्यूल्स को जो बीच में बांध करके जो फोर्स रखा हुआ, उस फोर्स को कमज़ोर करना पड़ेगा, तभी ना होगा। कोई भी चीज़ कब लिक्विड में रहता है? जब उसका गैसियस पार्टिकल आपस में किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आपस में ज्वाइन हो जाता है, तब वो जो है गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो लिक्विड से जब हम उसको गैस में बनाना चाहें तो उस फोर्स को हमको वीक करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तभी ना होगा। यानी इसको और किसी दूसरे से मतलब नहीं है, आपस में ही जुड़ना है, तब ना बॉइलिंग पॉइंट निकलेगा। जैसे कि ये हमने लिया है प्रोपेनॉल, तो बहुत सारा प्रोपेनॉल आपस में जुड़ेगा। ठीक है, इसमें भी जुड़ेगा बहुत सारा जो है ब्यूटेन आपस में जुड़ेगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पर दो चीज़ जानना पड़ेगा, एक है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो बहुत ही वीक फोर्स होता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये डिपेंड किस पर करता है? डिपेंड्स ऑन मास, सरफेस एरिया, सेल एंड साइज। ठीक है, ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करता है, एटम के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में ये नहीं है। एटम्स के बीच में तो केमिकल बॉन्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, वो सब होता है एटम्स के बीच में, तो मॉलिक्यूल बनता है। अब जब मॉलिक्यूल बन गया और ये फोर्स जो है किसमें काम आ रहा है?
ऑर्गेनिक कंपाउंड में यह फोर्स आता है। जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है, यानी कि कंपाउंड में ये फोर्स अवेलेबल नहीं है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये सिर्फ कोवेलेंट मॉलिक्यूल में होगा। तो जब कोवेलेंट मॉलिक्यूल बन गया तो वो सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेगा, जैसे वाटर मॉलिक्यूल बना बहुत सारा, सारे वाटर मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़ेगा, उसके लिए भी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत ही वीक फोर्स होता है, केमिकल बॉन्ड के सामने ये बहुत ही वीक फोर्स होता है, ठीक है। तो एक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके अलावा एक और जो है बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, क्लास 11 में पढ़ाई हो चुकी है केमिकल बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाए थे। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, देन इट डेवलप्स हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन से जुड़ा हुआ रहता है तभी हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप होता है, और ये जो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काफ़ी मजबूत होता है ना, इसकी मजबूती केमिकल बॉन्ड के आसपास होता है, केमिकल बॉन्ड के इतना तो नहीं है, उससे बहुत वीक है, लेकिन वो उसके कैटेगरी में आ जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जैसे ये क्या है, CH3 CH2 CH2OH है, इसमें ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है ना, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो दूसरा मॉलिक्यूल जो इसका होगा उसका H इससे जुड़ जाएगा, एच, ठीक है, इधर क्या हो गया CH2 CH2 CH3, इसके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, बन गया, यही है हाइड्रोजन बॉन्ड, यही है हाइड्रोजन बॉन्ड जो डॉटेड लाइन से दिखाया। फिर एक और तीसरा मॉलिक्यूल आएगा, इस पर देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इस पर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, अब यह हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा CH2 CH2 CH3। अभी हम तीन मॉलिक्यूल को जोड़ता हुआ दिखा रहे हैं, ये भी प्रोपेनॉल है, ये भी प्रोपेनॉल है, ये भी प्रोपेनॉल है, फिर इस पर ये डेल्टा पॉजिटिव होगा और इस पर डेल्टा नेगेटिव होगा, इस तरह से जुड़ते हुए चेन होगा, यही है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो जो प्रोपेनॉल है ना वो आपस में जुड़ रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, तो ये दोनों अलग कब होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तब नहीं दोनों अलग होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तब नहीं ये दोनों अलग होगा, ये मॉलिक्यूल सब जो अलग अलग होगा, ये एक दो तीन मॉलिक्यूल को जो हम आपस में जोड़ दिए हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये तीनों मॉलिक्यूल को अलग करना है, तो क्या करेंगे, बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको रिमूव करेंगे तभी ना होगा, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको रिमूव करना पड़ेगा। और इसमें जो होता है ना ये जो है जैसे दूसरा मॉलिक्यूल देंगे CH3 CH2 CH2 है ना, CH3 फिर लेंगे हम लोग CH3 CH2 CH2 CH3 फिर लेंगे CH3 CH2 CH2 CH3, ये जो आपस में जुड़ा हुआ है, ये जो आपस में जुड़ा हुआ है ये किससे जुड़ा हुआ है, वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से है ना, वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़ा हुआ है, और ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ा हुआ है। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में, इसलिए इसमें हमको कम ही हीट एनर्जी लगेगा, इसको बॉयल करने के लिए कम, ये सारे ये तीन मॉलिक्यूल को हम आपस में जोड़े हुए हैं, ये तीनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा हुआ है, इसके थ्रू है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, जो मास के ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, शेप पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है, और बहुत ही वीक होता है, लेकिन मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ कर तो रखता ही है, तो ये बहुत ही वीक है, इसको अगर ये तीनों मॉलिक्यूल को अलग करना होगा तो हमको बहुत ही कम एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो
तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, कम ही एनर्जी देंगे तो जल्दी बॉयल करेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ कि नहीं। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ा हुआ है, इसको हमको हटाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है इथेनॉल का जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और प्रोपेनॉल का ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रोपेनॉल में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रोपेनॉल इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन लाइक ग्रुप, ठीक है। तो इसको आप लोग हम जो है हमने आपको समझाया, इसको आपको लैंग्वेज में लिख लेना, ओके।